नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इन दिनों देश में एक चर्चा काफी जोरों पर है कि क्या सरकार देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने जा रही है। दरअसल इस मुद्दे को हवा तब मिली जब G20 समिट के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भेजे निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। यही नहीं, आसियान इंडिया शिखर वार्ता के आधिकारिक नोट में पीएम मोदी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। बात यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि G20 के भारतीय डेलीगेट्स के कार्ड पर भारत ऑफिशियल्स लिखा गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में इसे लेकर काफी सुगबुगाहट दिख रही है। गठबंधन का आरोप है कि जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से बीजेपी परेशान है। ऐसे में उन्हें इंडिया नाम से ही दिक्कत हो गई है, जिसके चलते ये सारी कवायद की जा रही है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज राजस्थान में थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के चुनाव प्रचार का आगाज किया। उन्होंने राजस्थान के भीलवाड़ा में कहा कि हम भारत जोड़ो कहते हैं, वो भारत तोड़ो। हम भारत जोड़ो बोलते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि भारत तोड़ो। अब इधर इधर इंडिया ऑल पार्टी की जो मीटिंग थी, हमने सबको मिला के इकट्ठा करके एक मजबूत संगठन किए, उसको देखकर उसका नाम रखा गया इंडिया। इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे, अरे अब इंडिया छोड़ दो, भारत नाम रोको, तो भारत नाम रखने के लिए आ रहे। संविधान में है। और भारत और इंडिया की इस चर्चा के बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने इस पर क्या कहा है, आइए वो भी सुन लेते हैं। इंडिया दैट इज भारत, इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज आई वुड इनवाइट एवरीबॉडी टू रीड इट। आई थिंक व्हेन यू से भारत इन अ सेंस अ मीनिंग एंड अ अंडरस्टैंडिंग एंड अ कॉनोटेशन दैट कम्स विद इट एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। और इंडिया और भारत के इस पूरे विवाद के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का NDTV को दिए 25 साल पुराना इंटरव्यू का एक क्लिप वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इस वीडियो में लालू यादव अपने चिर परिचित अंदाज में इंडिया और भारत का अंतर बताते हुए दिख रहे हैं। तो कभी ब्रश यूज नहीं किया आपने? करते हैं, करते हैं कभी कभी, पटना में रहते ही करते हैं। दिल्ली में तो दिक्कत होती होगी, वहां नहीं मिलता। दिल्ली तो इंडिया है ना। अच्छा, भारत है। अच्छा, भारत में मिलता है। अच्छा, इंडिया में नहीं मिलता है। नहीं, दिल्ली इंडिया हो गया। इंडिया वो तो खखोटता है ब्रश। तो लालू जी 25 साल पहले कह रहे थे कि दिल्ली इंडिया है, पटना भारत है, और ये इंडिया बनाम भारत की एक बहस भी छिड़ी हुई है। ये भी सामाजिक अंतर दिखाने के लिए बार बार इसका प्रयोग होता है। ए सूर्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व चेयरपर्सन है, प्रसार भारती के वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। सूर्यप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं ये जो बहस छिड़ी है भारत की इंडिया की, और ये कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि जो विशेष सत्र हो रहा है इसमें सरकार इंडिया का नाम ही हटा देगी और पूरा देश जो है वो भारत के नाम से ही जाना जाएगा? देखिए जी, ये इंडिया जो है ना, दिस इज अ पॉपुलर नेम, लेकिन हमारे सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए नाम है भारत। और आप विष्णु पुराण से हजारों वर्ष पहले ये भारत का भूगोल और इसका सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, और इट हैज बीन क्लियरली डिफाइंड एज टू व्हाट इज भारत। दूसरी बात, हमारे संविधान में संविधान क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत। मेरे ख्याल में इसका मतलब यह है कि असली नाम भारत है, इंडिया दैट इज भारत मतलब असली नाम भारत है। दूसरी बात, हमारे सब भाषाओं में क्या हम इंडिया इस्तेमाल करते हैं क्या? आप थोड़ा देख लीजिए, भारतीय भाषाओं में जब हम भारत के बारे में बात करते हैं, क्या हम भारत इस्तेमाल करते हैं या इंडिया इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ये बात तो बिल्कुल है कि जो हमारी भारतीय भाषाएं हिंदी समेत भारत का ही प्रयोग होता है, लेकिन इसमें सवाल ये उठ रहा है कि जब अंग्रेजी की बात होती है, हम जब बाकी दुनिया से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं
और उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स का, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस का, जिसमें कि हमारी पहचान इंडिया से होती है, टीम इंडिया हो या हमारे जितने संगठन हो उनकी बात हो, सब में इंडिया है। तो क्या वहां से इंडिया हटाया जाएगा? क्या आपको लगता है कि इसके जगह भारत का प्रयोग होगा, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, भारतीय ऑफिशियल्स, ये सब क्या बता रहा है? नहीं देखिए जी, कहीं देशों में ये नाम का बदलाव आया है। आप जानते हैं कैम्बोडिया, वो ब्रिटिश लोग वो नाम रखा गया, वो कंपुचिया बन गया। श्रीलंका सिलोन था, श्रीलंका बन गया। बर्मा, म्यांमार, म्यांमार असली नाम है। तो कहीं ऐसे उदाहरण आपको मिलता है। तो इसलिए ये क्या है, टर्की हैज बिकम तुर्की। क्या एक एक दो साल ये थोड़ा कठिन होगा, हर एक चीज में थोड़ा बदलाव आना पड़ेगा, लेकिन ये जो कॉर्पोरेशंस है ना, जैसे आप कह रहे थे सब इंडिया है, सब इंडिया नहीं है जी। जवाहरलाल नेहरू के समय से 1960 के दशक में कितने संस्थाएं बनाए, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, भारत अर्थ मूवर्स BML, भारत संचार निगम। तो भारत हमसे, आप भारत इज पार्ट ऑफ आर लाइफ, भारत माता की जय। और राहुल गांधी जी की यात्रा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा है। जो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं लोग, वो भारत नाम से क्या आपत्ति क्यों होना चाहिए, मुझे समझ नहीं। उनकी आपत्ति ये है सूर्य प्रकाश जी, जैसा भी हम खरगे साहब को सुन भी रहे थे, कि जब ये सारे विपक्षी दल इकट्ठे हुए और इन्होंने अपने गठबंधन का नाम INDIA रखा, जिसका कि उन्होंने फुल फॉर्म भी बताया, हालांकि उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म की चर्चा होती है INDIA की ही, इंडिया की। तो उनका यह कहना है कि सरकार और बीजेपी इससे घबरा गई, उन्हें इसकी काट नहीं सूझ रही है। बार बार तर्क दिए गए, कभी इसको घमंडिया गठबंधन कह दिया गया, कभी कह दिया गया कि इंडियन तो इंडियन मुजाहिदीन में भी है, फिर उसके बाद कुछ और भी बातें कह दी गई। तो बीजेपी को इसका रास्ता नहीं सूझ रहा है, इसीलिए अब इंडिया को ही हटाने की बात हो गई। नहीं, मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन एक मीडिया पर्सन होने के नाते मैं बहुत कुछ जानता हूं क्या होता है। अरे पिछले 5-6 साल से मोदी जी इस विषय पर वो बोला भी है पब्लिक मीटिंग्स में वगैरह वगैरह, बहुत कुछ इस पर चर्चा हुई है। ये अचानक आज नहीं आए, ये बिल्कुल गलत है कि आज ये भारत के बारे में सोचा। दूसरी बात, आप पिछले 9 साल देख लीजिए मोदी जी के सरकार में इन्होंने क्या किया है। ये हमारा सांस्कृतिक और सभ्यता के तार जो टूट गया था हजारों बरस, ये अंग्रेजों के कारण, उसके पहले जो भी हुआ उसके कारण, ये जोड़ने का प्रयास मोदी जी कर रहा है। हम सब जानते हैं बहुत कुछ क्षेत्र में ये हो रहा है। दिस इज जस्ट वन मोर स्टेप इन दैट डायरेक्शन। और ये अचानक आज नहीं आया, दिस इज ए कंटिन्यूटी। मोदी जी पिछले 9 साल से ये तार जोड़ने का काम कर रहा है, और मैं समझता हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ आवर कंट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे, इसके पीछे मकसद आपको क्या लग रहा है? और अगर मान लीजिए करना है आपको, देश का नाम इंडिया के बजाय केवल भारत ही रखना है, इंडिया दैट इज भारत के बजाय कहना कि भारत जो कि एक यूनियन ऑफ स्टेट से, हमको अगर ये आर्टिकल 1 में संशोधन करना है, तो क्या इसके लिए एक आम राय बन पाएगी आपको लगता है? और इसके पीछे मकसद क्या लग रहा है? क्या जरूरत है कि जो देश के दो नाम है उनके बजाय एक ही नाम हो? आप कह रहे हैं कि इसको जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारा इतिहास है, उससे जोड़ने की जरूरत है, बताने की जरूरत है हमारी नई पीढ़ी को कि भारत नाम का क्या अर्थ है, लेकिन क्या वाकई यह सिर्फ मकसद है, इसके पीछे आपको कुछ और भी कारण नजर आता है? नहीं नहीं देखिए जी, इंडिया तो एक भूगोलिक नाम है, भारत हमारे संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ नाम है, ठीक है? तो इस पर कोई ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, ये पिछले 9 साल से मोदी जी के सरकार बहुत कुछ इस क्षेत्र में किया है, ये तार जो टूट गया, और पिछले 75 साल में उस तार को जोड़ने का काम नहीं हुआ जी, ये अब हो रहा है। एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आई एम वेरी हैप्पी। और इसका दूसरा क्या कारण हो सकता है? वी हैव टू
कैप्चर आवर सिविलाइजेशनल हिस्ट्री एंड स्ट्रेंथ, उस पर हमको गर्व होना चाहिए और वो तार को हम जोड़ना चाहिए। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी ये और एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप अब कर्नाटक का राज्य गीत है भारत जननीय तनुजाते जय है कर्नाटक माते, भारत जननीय तनुजाते, आप जो भी आप देख लिए किसी क्षेत्र में कहां भी, ये दिस इज नॉट न्यू। और दूसरी बात, ये चेंज करेंगे क्या? मैं मुझे मालूम नहीं सरकार का सोच क्या है। ये संविधान में कुछ बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है तो क्या बदलाव करेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं समझता हूं दिस इज नॉट ए चेंज एट ऑल। इंडिया दैट इज भारत का मतलब है, हमारा असली नाम भारत है। जी, आखिर में जाते जाते एक प्रश्न आपसे, क्योंकि कुछ आकलन किए गए हैं, कुछ मॉडल्स बनाए गए कि इससे पहले जब देश के नाम बदले गए तो जो खजाना है उस पर कितना बोझ पड़ता है। कहा गया है कि अगर भारत का नाम रख दिया जाए, केवल भारत ही हो, इंडिया हटा दिया जाए, तो इससे भी हजारों करोड़ रुपए का खर्च बोझ पड़ सकता है भारत पर। एक आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, तर्क है, अपनी अपनी जगह पर तर्क देते हैं लोग, लेकिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कई तरह की चुटकी भी ली जा रही है कि इसरो है उसका नाम क्या रखा जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है तो उससे अगर आप इंडिया हटाएंगे तो क्या रखेंगे, तो ये सारी बातें भी सवाल है जो पूछे जाएंगे। नहीं नहीं, इसमें मेरा जवाब ये होगा कि जब भारत भारत संचार निगम है, भारत इलेक्ट्रिकल्स है, इसमें कोई आपत्ति नहीं था पिछले 50-60 साल, तो इसरो में या कोई एयर इंडिया क्यों बदलना है, या दूसरे अन्य कॉर्पोरेशंस जो है ना उनका नाम क्यों बदलना है, मुझे दैट इज वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी होता है, ब्रांडिंग होता है, उसको क्यों बदलना है भारत। तो इसीलिए ये भी ब्रांडिंग की, चूंकि आपने बात की सूर्य प्रकाश जी, इंडिया भी तो बहुत बड़ा ब्रांड है, पूरी दुनिया में इंडिया भी तो बहुत बड़ा ब्रांड है, क्या उस ब्रांड वैल्यू पर असर नहीं पड़ेगा अगर इंडिया की जगह भारत हम लोग कहना शुरू कर दें? नहीं जी, ये 6 महीने 1 साल में पूरा, अब मैं कहता हूँ ये मेरा नाम ये है, आप सब लोग मुझे वो नया नाम से बुलाएंगे पुकारेंगे, इसमें क्या आपत्ति है? ठीक, हमारा वी हैव टू कनेक्ट विथ आवर सिविलाइजेशनल सोर्स एंड हिस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, शुक्रिया आपका सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि आखिर इंडिया और भारत ये जो बहस चल रही है इसके पीछे क्या राजनीति है और क्या इतिहास है, क्या हमारी संस्कृति की पहचान है, तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हॉट टॉपिक में वक्त है ब्रेक का। दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री परिषद की अनौपचारिक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इसमें G20 की तैयारियों के बारे में मंत्रियों का अवगत कराया गया, लेकिन इस बैठक में पीएम मोदी ने सनातन मुद्दे पर भी अपनी टिप्पणी की है। आप जानते हैं कि उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है। पीएम मोदी ने सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों से कहा है कि उदयनिधि के बयान का जवाब दिया जाना चाहिए। ये सभी मंत्रियों को पीएम मोदी ने एक तरह से अपनी सलाह दी है। और आपको बताएं कि सनातन पर डीएमके नेता उदय निधि की टिप्पणी के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि बीमारी इनके अंदर है, किसी और में नहीं। क्या आपके नेता अगर मिस्टर परमेश्वर ये कहते हैं और आपके अलायंस सहयोगी उदय निधि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक डिजीज है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता था। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन बॉर्न के गुरु हरमन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। वर्नर हाइजनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से डिस्कशन के बाद उसे वह कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। मान्यवर, अगर इन सारे लोगों को इसमें ज्ञान नजर आ रहा है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है, तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं है। और पीएम नरेंद्र मोदी का अगले 3 दिनों काफी व्यस्त कार्यक्रम है। आज उन्होंने सुबह केंद्रीय मंत्री परिषद और कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया। शाम 7:30 बजे जकार्ता जाने से पहले एक के बाद एक कई बैठकों में भी उन्होंने हिस्सा लिया है।
रात 8 बजे यानी अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी इंडोनेशिया के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पर कि आसियान शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। 7 घंटे की उड़ान के बाद सुबह 3 बजे जकार्ता पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। कल सुबह 7 बजे आसियान भारत समिट में जाएंगे और कल सुबह 9:15 बजे ईस्ट एशिया समिट में भी पीएम मोदी हिस्सा लेने जा रहे हैं। बैठक के तुरंत बाद वे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। कल सुबह 12:15 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कल शाम 7:15 बजे पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचेंगे। 8 सितंबर को G20 की बैठक से पहले 3 देशों के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठकें होनी है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी शामिल है। हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।